है, कोई ध्यान करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में रहेगा, उनको आएगा। केवल फिजिकल लाइफ में जीवन करने वाले को ये जवाब, ये सवाल नहीं आएगा, हमें कहां से आया है, क्यों आया है, क्या करने लिए आया है, फिर कहां जाएंगे हमें, ये तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जनन मरण का चक्र क्या होता है, हमें उन्नत लोक से ये धरती पे आया, ये हमें ऊपर रहे कब रहे थे, वो यह लोक था, ये परलोक था, अब क्या हो गया, ये लोक हो गया, वो परलोक हो गया। हमें परलोक से, परलोक में थे तब वो यह लोक था, अब यही आ गया, ये यह लोक बन गया, वो परलोक बन गया। ये यह लोक परलोक को क्यों हमें ट्रैवलिंग कंटिन्यू हो रहा, इसका मतलब क्या है, क्यों आया है, हमें जीवन में हर पल सेलिब्रेट करने का सीख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी होने दो, कहां भी रहने दो, किसके साथ रहने दो, जीवन में कैसा भी रहने दो, कभी भी हमें जीवन को हर पल सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल बनाना, ये सीखने के लिए हर एक आत्मा ये धरती पर आते हैं। दूसरा प्लेनेट में सीखने का कुछ भी नहीं, सीखने का पूरा ये धरती प्लेनेट है, ये धरती प्लेनेट स्कूल है, ये उन्नत लोग पूरा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ये पत्री सर कहता है पिरामिड मास्टर्स, पूरा पिरामिड मास्टर्स आर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस धरती प्लेनेट, ये स्कूल का टीचर्स है। हमें पिछले जन्म में बहुत सीखा है, बहुत ज्ञान पाया है, पति सर कहते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनकॉर्नेशन जन्म हमें केवल भौतिक जीवन जिया है, और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जन्म केवल आध्यात्मिक जीवन किया है। ये जन्म हमें कैसा लिया है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दो जीवन मिलके हमें जीवन करना है। पति सर कहते पिरामिड मास्टर दो घोड़े के ऊपर खड़ा होके सवारी करने वाला है, दौड़ने वाले मास्टर घोड़े को दौड़ाने वाला है, राइडिंग करने वाला है। एक फिजिकल लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ। ये स्पिरिचुअल लाइफ क्यों चाहिए, भौतिक जीवन में खुशी से जीवन करने के लिए हमना स्पिरिचुअल लाइफ का जीवन का साथ चाहिए। फिजिकल लाइफ क्यों चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए ये चाहिए। ये दोनों जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जन्म में हमें दोनों जीवन करके मोक्ष पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए आया है। इसलिए पिछले जन्मों में हमें बहुत ज्ञान पाया है, वो ज्ञान कहाँ है, हमारे आत्मा के अंदर है। ध्यान से वो ज्ञान हमें जगा सकते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, भौतिक जीवन बहुत खुशी से जीवन करने का हमना रास्ता मिल जाता है। वी कैन लिव वेरी हैप्पीली इन फिजिकल लाइफ, सेलिब्रेशन हो जाएगा। देखो ये शरीर है, हमें जन्म लेते हैं, ये धरती पे जन्म लिया, ये शरीर में प्रवेश हुआ है, क्या हो रहा है, जीवन पूरा चल रहा है। ये जीवन क्या होता है, नाटक होता है। ये नाटक में हमारा क्या कैरेक्टर है, एक्टिंग है, वो एक्टिंग करने के लिए हमें ये जन्म लिया है। अब एक सीरियल, टीवी सीरियल है, वो सीरियल में विलन भी अच्छा एक्टिंग करता है, हीरो करता है, हीरोइन करते हैं, कॉमेडियन करते हैं, डायरेक्टर भी अच्छा करवाते हैं। सीरियल खत्म होने के बाद हीरो नहीं, हीरोइन नहीं, विलन नहीं, सब सेलिब्रेट करते रहते, ये देखने वाले रोते रहते हैं, इमोशन से भर जाते हैं। विलन के ऊपर बहुत गुस्सा आते रहते हैं, हीरोइन के ऊपर बहुत सिंपथी होते रहते हैं। इसका क्या कारण क्या है,
अरे वो एक्टिंग किया है, वो ड्रामा नाटक है, ये याद नहीं है? सीरियस इमोशन से भर जाता है। एक्टिंग किया है ना, उन्होंने एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। हमें भी ऐसा एक्टिंग के लिए इस धरती पे जीवन लिया है। बहू का रोल, सास का रोल, पति का रोल, पत्नी का रोल, ये रोल में हमें एक्टिंग करने के लिए है। पूरा एक्टिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये जन्म खत्म हुआ, ये सीरियल खत्म, ये नाटक खत्म हो गया। उन्नत लोग चले जाते हैं, वहीं पे क्लोज हो गया स्टोरी। संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। कृष्ण भगवान और अर्जुन कुरुक्षेत्र संग्राम में अभिमन्यु का मरण होता है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान के पास बहुत रोता है, आपने मुझे बहुत दूर लेके गया, इसलिए मेरा बेटा मर गया, मैं मेरे बेटे को देखना चाहता हूँ, बहुत रोता है। व्यास महर्षि अर्जुन को वो स्वर्गलोक लेके जाता है। वहां स्वर्गलोक गए तो अभिमन्यु वो अलाउ नहीं करते अर्जुन को, नहीं मेरा बेटा है, अभिमन्यु है यहाँ पे, मैं मिलने आया। हमें पूछ के आते हैं अभिमन्यु को, अभिमन्यु को पूछे तो बेटा नहीं बाप नहीं, वो नाटक खत्म हो गया बोले। तब अर्जुन वापस आएगा। ऐसा हमें समझना है क्यों जन्म लिया है ये नाटक में। एक्टिंग तो अच्छा करना है, क्यों? अनुभव के लिए। इसीलिए पत्री सर कहते हैं अनुभव ही ज्ञान है। अरे पिछले जन्म में हमें पति होके पत्नी को बहुत रुलाया, दुख दिया है। पति पत्नी को दुख दिया तो वो दुख कैसा रहता है? ये जन्म में पति पत्नी बनता है, पत्नी पति बनता है, रोल चेंज होता है, तब मालूम होता है अरे मैं पति था, मैं इतना दुख दिया हूं पत्नी को, मुझे मालूम नहीं हुआ, अब मुझे अनुभव से मालूम हो रहा है मैं पत्नी बन गया। क्यों? वो दुख कैसा रहेगा, वो अनुभव कैसा रहेगा, ये सीखने के ये लेसन है मुझे। कब ये मालूम हो जाएगा? गुस्सा नहीं, पति को ऊपर गुस्सा नहीं, वो मेरा कर्म मिटा रहा है, मुझे बहुत अनुभव का ज्ञान दे रहा है, मुझे मालूम हो रहा है खुद मैं हूँ, मैंने एक्टिंग के लिए ये धरती पे आया हूँ। ये मालूम हो गए तो कहाँ बंधन नहीं, कुछ भी नहीं है, रोला ही नहीं, दुख नहीं, डर नहीं है, कुछ भी नहीं। हर एक का कारण खुद हमें है, ये भूल गए हैं। ये भूलने से क्या होता है, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे कोई गुजर गया, प्राण निकल गए, वो कहीं इनका एक्टिंग हो गया खत्म। अब कोई घर में उनका प्राण चले जाएगा, वो परिवार का काम बंद हो जाएगा, उनका जीवन बंद हो जाएगा, नहीं ना? चलते ही रहता है गाड़ी, कुछ भी रुकता नहीं, परिवार का काम रुकता नहीं, जीवन रुकता नहीं, कुछ भी रुकता नहीं। उनका पार्ट हो गया, वो खत्म हो गया, नाटक चले गए, दूसरा नाटक में फिर उन्हें एक्टिंग के लिए फिर जाता है। ये नाटक में उनका एक्टिंग खत्म हो गया, ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें शरीर नहीं आत्मा है, शरीर को मरण है, आत्मा को कहाँ मरण है? आत्मा रहे तो शिव, आत्मा नहीं तो शव, डेड बॉडी। हमें आत्मा रहे तो ये शरीर का काम चलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए हमने सब कुछ मालूम होना है, मरण ही नहीं है, केवल शरीर का काम खत्म हो गया, ये आत्मा बाहर आ गई है, दूसरा जन्म में दूसरा शरीर में ये प्रवेश हो रहा है। देखो आपका बेटा है, 25 साल उम्र का बेटा है, उनका लिवर कैंसर है, 2 साल से उनका जीवन हेल नरक हो गया, इतना दुख होगा, खाना नहीं खाने को होगा, दर्द, मरने को नहीं है, जीना कैसा जीवन रहेगा? उसका कब मरण होता है, आत्मा बाहर आ जाते हैं। आत्मा कब बाहर आ गई है, दुख नहीं है, क्यों? वो पूरा दर्द बीमारी दुख शरीर को है, आत्मा को नहीं। उनको खुशी है, आई मैं नरक से बाहर आ गया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, आई एम सेलिब्रेटिंग। लेकिन हमें क्यों रो रहे हैं?
हमें क्यों रोना है? उनका दुख हुआ, खुशी हुआ, खुशी हो गया ना, रोने का जरूरत नहीं है। वो नरक से बाहर आ गया, उन्होंने उनका खुशी है, बाद में कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा, चले जाएगा। हमारा बेटा यहाँ पे 50,000 पैसे कमा रही है हर महीने में सैलरी है, अमेरिका गए तो 10 लाख आएगा। अरे हमें खुशी से बेचते है, दुख से बेचते है, खुशी से बेचते है, ऐसा ही स्वर्ग जाते, बहुत खुशी होता है। रोने का जरूरत क्या है? देखा, ये सब मालूम है, ये ज्ञान मालूम नहीं, इसलिए सब मालूम होना ही है। कब बाहर आ गया, कुछ भी नहीं, दुख नहीं, डर नहीं, बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, सेलिब्रेशन होता है, वो आत्मा का सेलिब्रेशन होता है, डेथ डेथ सेलिब्रेशन। इसलिए पति सर कहते हैं, बर्थडे कैसा सेलिब्रेशन करते हैं, डेथ डे भी ऐसा सेलिब्रेशन करना है, एक्सेप्ट करना है, तब हमारा स्पिरिचुअल लर्निंग एक लेसन पूरा हो जाएगा। ये तो बड़ा लेसन है, वेरी ग्रेट चैप्टर है। इस सब मालूम होना, ये मालूम भी है, ये सब मालूम है, ज्ञान सुने हैं, याद है, लेकिन दुख हो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। कारण क्या है? वो सहने का स्थिति नहीं है, इसीलिए वो सहने का स्थिति केवल ध्यान देगा। कितना ध्यान करना, टाइम मिल गया ध्यान करो 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 करो। मैं 97 अगस्त 3 पत्री सर के साथ ध्यान सीखा, नेक्स्ट डे 97 4 अगस्त 4 रात 9 बजे दुकान बंद करने का, घर आने का, थोड़ी सी खाना खा के ऐसा बैठ जाते थे। पूरा सुबह 2, 3, 4 बजे तक ध्यान करता था मैं। मेरे पत्नी ने उठा रहा था, अरे दुकान जाना है, सो जाओ। मैं 1 घंटा 2 घंटा सोते थे, फिर मैं दुकान जा रहा था। दिन में 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिल गया तो मैं ध्यान करता था। हर पल मैं अवेयरनेस में था, मैं आंखें बंद किया, आंखें खुला है, मेरा मन मेरा साथ है ही नहीं है। वो साथ नहीं तो मैं क्या करता था, सांस को ऑब्जर्व करता था। आंखें खुले रहने दो, बंद रहने दो। आई वॉज नॉट अलाउइंग द माइंड टू ट्रैक ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ऐसा प्रैक्टिस किया हूं मैं, बहुत किताब पढ़ा हूँ, पति सर का क्लासेस लेते, ध्यान प्रचार करते थे, बहुत समय में स्पिरिचुअलिटी में स्पेंड कर रहा था। मेरे पत्नी बहुत रोया है 2 साल, उनको डर हो गया, मैं क्या सन्यासी बन गया, ये क्या होगा, ये घर छोड़ के चले जाएगा। मेरा बेटा विजयवाड़ा में पढ़ रहा था, बेटे अमेरिका में, हमें दोनों थे, वो अकेले हो गई। मैं मेरा पूरा मन स्पिरिचुअलिटी में था। ऐसा किया मैं ध्यान, ऐसा किया, मेरा बेटी से मुझे बहुत अटैचमेंट था। घर जाने के बाद पहले बेटी से बात करना, बेटी से स्पेंड करना, मुझे मेरे बेटे का शादी करने के लिए मुझे डर होता था। अरे कैसा रह सकता हूँ बिना बेटी, मैं नहीं रह सकता, मैं ऐसा सोचता था। 97 अगस्त में ध्यान किया, घर जाके मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरे पत्नी को ध्यान सिखाया। मेरा बेटी बेटा ध्यान किया है, लेकिन मेरे पत्नी मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम्स मेरे पत्नी को था, गुड़गे का दर्द, बाद में पीठ का दर्द, साइनस प्रॉब्लम, यूट्रस का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स था, स्किन प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम्स था, लेकिन वो नहीं करते थे। मैंने बोला आपका टाइम आ जाना, आपको पसंद आना तब करता है। मैं दुकान में टाइम मिले तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था। एक मैगजीन आ रहा था तिरुपति से, ध्यान लहरी तेलुगु मैगजीन, वो मैगजीन पढ़ रहा हूँ मैं 6 महीने के बाद ध्यान चालू करने के बाद। वो मैगजीन में एक आर्टिकल था, घर में 2-3 लोग ध्यान किया तो वो वाइब्रेशन दूसरों को ये ध्यान का रास्ते में लेके आएगी। वो आर्टिकल पढ़ा, मैं लंच के लिए गए 2 बजे आफ्टरनून घर को। मेरा पत्नी ने कहा आपको बहुत पसंद का काम मैंने कर खाना पकाया। नहीं नहीं मैं आज ध्यान किया, मुझे हनुमान जी का दर्शन हुआ। पत्नी का जय भी चालू।
मैं और मेरा बेटी बहुत ध्यान करते थे, पूरा रात में ध्यान करते थे। 99 जनवरी 6 मेरा बेटी अमेरिका जाना है, यूएस जाना है। हमें पूरा परिवार एयरपोर्ट गए हैदराबाद बेगम पे, सूब रो रहे हमारा परिवार पूरा, मैं और बेटी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे तो परेशान हो गया, ये कैसे हो रहा है, मेरा बेटे अमेरिका जा रहे है फिर देखने के लिए मुश्किल, वीसा पासपोर्ट बहुत रिस्ट्रिक्शन होते है, नहीं मैं जाने के लिए नहीं भी बेटे आने के लिए, जो दुख नहीं है आंखों में आंसू नहीं है, ये क्या हुआ। तब मालूम हो गया मैं ध्यान से निस्संग बन गया। निस्संग का मतलब क्या है, हमारा पास कोई रहने दो दूर जाने दो, कोई जीने रहने दो मर जाने दो, हम ना दुख नहीं आना। अटैचमेंट में खुशी, डिटैचमेंट में खुशी। ये कमल का पत्ते पे पानी ऐसा डांस करती है, पानी का ड्रॉप, ऐसा हमें भी निस्संग बन जाना है। शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वे, निस्संगत्वे निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वे निश्चल चित्ते, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। सत्संग का मतलब सत्य का सांगत्य, आत्मा का सांगत्य, मतलब ध्यान। कितना करना ध्यान, करना 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 ध्यान। हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव फैमिली मेंबर्स हमारा साथ रहे तो भी खुशी, दूर चले गए तो भी खुशी, जीवन से रहे तो भी खुशी, जीवन खत्म हो गया मरण हुआ तो भी खुशी। वो निस्संग बोलते हैं। वो स्थिति पाने के लिए केवल ध्यान का साधना चाहिए। कितना करना निस्संग बने तक ध्यान करना, उतना टाइम हमें ध्यान के लिए यूटिलाइज करना है। निस्संगत्वे निर्मोहत्वे, तब हमें निस्संग बन जाते हैं। मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माता, मेरा पिता, ये पूरा मोह से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। निर्मोहत्वे निश्चल, कब हमें ये मोह से बाहर आ जाता है, निर्मोहत्वे निश्चल, हमारा मन घूमता नहीं है, वो निश्चल हो जाता है। निर्मोहत्व निश्चलत्व, निश्चलत्व जी कब हमारा मन हमारा साथ हर पल रहता है, हमना खुशी रहता है, डर नहीं रहता है, दुख भी नहीं रहता है। क्यों, हमारा मन पीछे पीछे नहीं जा रहे, भूतकाल का याद नहीं कर रहे, भविष्य काल का सोच नहीं कर रहे। पीछे का याद किया तो दुख होता है, भूत भविष्य काल का सोच किया तो डर होता है। डर नहीं है, दुख नहीं है, हमें जीवन पूरा मुक्ति का मतलब खुशी से जीवन कर सकता है। इसीलिए हमें निस्संग बनने के लिए साधना करना है। कितना करना है, बहुत करना है। मेरा पिताजी 2009 में उनका मरण हुआ। शाम में रेस्टोरेंट जाके चाय पी के दोस्तों के साथ एक घंटा रह के घर आ रहा था, रास्ते में घर के बहुत पास उनका मरण हो गया, रास्ते में हो गया, बहुत इजी डेथ हो गया उनका। लेकिन मेरे माता जी बोल रही है कोई भी रोना नहीं है, मरण नहीं है। क्यों, मेरा पिताजी भी 3-4 घंटे ध्यान करते थे, मेरे माता जी भी 3 घंटे ध्यान करती, अभी भी है मेरे माता जी। हमें कोई रोए नहीं, हमारे घर में कोई मेहमान आ गए उनको भी रोने को चांस नहीं, क्यों, हमें रोए नहीं, हमें डेथ सेलिब्रेशन किया। ये कैसा आ गया स्थिति, मेरा माता जी ध्यान किया, मेरा पिताजी ध्यान किया, मेरा परिवार भी ध्यान किया। देखा, सेलिब्रेशन करने के लिए पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, साधना, ध्यान 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 ध्यान। 5 मिनट मिल गए। देखो हमें सुबह टिफिन नाश्ता करते हैं, वो नाश्ता क्या होता है, 1 आधा घंटा ध्यान होता है। दोपहर लंच करते हैं ना, वो 1 घंटा ध्यान होता है। शाम में चाय स्नैक्स पीते हैं ना, स्नैक्स लेते हैं, चाय पीते हैं ना, वो 1 घंटा ध्यान होता है। नाइट डिनर खाते हैं ना, वो 1 घंटा ध्यान होता है। अरे ऐसा क्यों नहीं करना ध्यान, बाद में काफी चाय जूस लस्सी, वो 5 मिनट 10 मिनट ध्यान होता है। ऐसा करो 41 डेज
देखो कैसा हमारा एनर्जी ऊर्जा बढ़ जाता है, कितना ज्ञान हमने मिलता है, कितना स्थिति हमने मिलता है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हर एक आदमी को भौतिक जीवन में खाने को लिए टाइम टू टाइम बहुत खाते हैं, पसंद का खाना पैसे कमा के पका के खाते हैं। ध्यान का खाना क्यों नहीं करना, ध्यान क्यों नहीं करना? भोजन शरीर के लिए, आत्मा का भोजन क्या है? ऊर्जा। आत्मा को सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट करो ना, ऊर्जा देना, दोपहर लंच ऊर्जा देना, शाम में चाय और स्नैक्स ऊर्जा देना, रात में डिनर ऊर्जा देना। देखो शरीर को कुछ खिलाने के लिए पैसे कमाना है, पकाना है, खाना है, स्वस्थ रहना है, ये इतना काम है। आत्मा को खाना देने के लिए क्या कुछ भी नहीं करो, बैठो भैया, आंखें बंद करो, उंगलियों में उंगली डालो, हाथ का काम बंद करो, पांव का बंद करो, मन का काम भी बंद करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखो आत्मा को, भर जाओ ऊर्जा से, भर जाओ, कितना खुशी होगा आत्मा को। ये नहीं है, हमें ये नहीं कर रहा है, ये करना है। जिंदगी में कभी भी मरण होना ही है, किसी को भी किसी समय में ये होता ही है, लेकिन डेथ सेलिब्रेशन करना है। हमें बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन करता है? आंध्र प्रदेश में मेरा मामू है, मेरा माता जी का भाई, वो भी मेरे में मास्टर है, उन्हें घर में था। एक बार पत्री सर को उनका बेटी का बर्थडे के लिए इनवाइट किया, वो बेटी 3 थी। सर ने सेलिब्रेशन पूरा किया, केक भी खाया, एक लिस्ट किया। बाद में पूछा, मेरे मामू का नाम मारम, मारम आज बर्थडे किया बेटी का, अच्छा सेलिब्रेशन किया, कल आपका बेटी का मरण हुआ तो मरण का सेलिब्रेशन करते हैं? ऐसा पूछा। हमारे मामू ने बताया, ओके करूंगा सर, खाली मुंह से बोलने का नहीं, करना है, वो सहने का स्थिति चाहिए, एक्सेप्ट करना है मरण को भी खुशी से, नहीं तो जन्म लेना ही पड़ता है। पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, बहुत पढ़ाई है धरती पे, हर एक पढ़ाई खत्म होना ही है, पहले पढ़ाई यही है, जनन मधुर मरण मधुर। अरे बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन करता है, डेथ डे भी ऐसा ही सेलिब्रेशन। हमें गुरुजी के साथ एक 300 लोग नॉर्थ इंडिया वैली ऑफ फ्लावर्स गए थे, टूर गए थे। वहां हिमालय जर्नी में एक विजयवाड़ा मास्टर का डेथ हो गया, पत्री सर ने उनका शव को आग लगाया। हमें कैसा सेलिब्रेट किया मालूम, एक स्वीट बना के वो गांव में रहने वाला पूरा उनको स्वीट खिला के हमें थालियां बजा के खुशी से और डेथ डे सेलिब्रेट किया पति सर के साथ। सर ने बताया, देखो ऐसा सेलिब्रेशन करना तब जन्म खत्म होगा, दिस इज द रियल एक्सेप्टेंसी दियर, ये एक्सेप्टेंसी पहले यही चाहिए। जनन और मरण दोनों ही बैलेंस करना है, विदाउट बैलेंसिंग, विदाउट एक्सेप्टेंस, विदाउट सेलिब्रेशन हमें हमारा जन्म खत्म नहीं होता है। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाई है धरती पे। देखो अभिमन्यु मर गया, प्राण हो गया, निकल गया अभिमन्यु का, शुभ रो रहे हैं, रो रहे हैं, द्रौपदी रो रहे हैं, पूरा परिवार दोस्त सब रिलेटिव्स रो रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने सेलिब्रेशन किया। कृष्ण भगवान को अर्जुन का प्राण निकल गया दुख नहीं, दुर्योधन का प्राण गया खुशी नहीं, क्यों? कृष्ण
कृष्ण भगवान को मालूम है मरण नहीं है, अर्जुन में रहने का आत्मा भगवान है, दुर्योधन में शरीर में रहने का आत्मा भगवान है, उन्हें दोनों में भगवान को है, उनको मालूम दोनों स्वयं खुशी से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो सब कुछ मालूम है। क्यों कृष्ण भगवान को रुलाई क्यों नहीं आए हैं? कृष्ण भगवान 5 साल को उम्र में सांदीप महामुनि गुरुकुल में ध्यान सीखा है, बहुत ध्यान किया है उन्होंने, बहुत गीता ज्ञान उस उम्र में उनका ज्ञान पूरा इम्प्लीमेंट किया है, योगेश्वर बन गया कृष्ण भगवान ने। अरे हमें भी योगेश्वर बनना है, कृष्ण जैसा सेलिब्रेशन करना है, नहीं तो डेफिनेटली ये धरती पर जन्म लेना ही है, जन्म खत्म होने का एक ही एक है, जनन मधुर मरण मधुर, ये आत्मा सीखने का पूरा बड़ा ये तो सबसे बड़ा लेसन है, ये पढ़ाई बहुत ग्रेट पढ़ाई है, ये पढ़ाई खत्म हो तो दूसरा पढ़ाई बहुत इजी हो जाता है, दूसरा लेसन क्या है वो सब छोटी छोटी है, पहले ये बड़ा पढ़ाई ही पढ़ना है हमें, ये बड़ा एग्जाम है, दिस इज द वेरी बिगेस्ट एग्जाम इन आवर लाइफ। हाँ एक्सेप्टेंस का ये है, हाँ वो स्थिति चाहिए, करो ध्यान करो करो, किताब पढ़ो, डेथ के आफ्टर डेथ क्या होता है, मरण के बाद क्या होता है, कहाँ पहुंचते हैं हमें, क्या होता है, हाँ फिर वापस क्यों आते हैं, किस कार से आता है, वो पुस्तक भी पढ़ना है, पति सर का स्पीचेस भी सुनना है, ये ध्यान आफ्टर डेथ क्या होता है। देखो मरण नहीं है, आफ्टर डेथ का जीवन है, डेथ हो गया जीवन खत्म, जीवन आत्मा का जीवन खत्म नहीं हुआ, ये धरती पे हो गया, दूसरा प्लैनेट चले जाएगा, ये स्कूल का पढ़ाई पास नहीं हुआ फिर आ जाएगा, अरे ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये क्या है, ये खत्म होना है, जनन मरण चक्र से हमें बाहर आना ही है। उर्दू में 420 786 दो है नंबर्स, 420 का मतलब 420, बेकार मूर्ख है, बेकार आदमी को 420 बोलते हैं, 786 एक्सेस नंबर पर मुस्लिम्स, 420 का मतलब क्या है, ये चार धरती पे पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, ये धरती पे चार साइड से धरती पे, दो का मतलब मरण जनन मरण, वो जीरो का मतलब चक्र, कोई भी ध्यान नहीं करेगा ये चार साइड से धरती पे जनन मरण में कोई घूमते हैं विदाउट मेडिटेशन विदाउट ज्ञान, वो 420 है, वो 420 है। 786 का मतलब क्या है, 7 शरीर है, 7वां स्थिति सहस्रार पहुंचना है ध्यान से, उनको मालूम है ध्यान करता है ज्ञान ज्ञान है, ये अष्ट अष्ट सा दिक्कुल नेमंटर इंदिलो दिशाएं अंतर सर दिशा, हाँ 8 दिशा है ना धरती पे, ये 8 दिशा है, सो धरती पे ध्यान करके 7 शरीर है, 7वां स्थिति सहस्र पहुंचना है, वो स्थिति में हमेशा 6th सेंस में रहता है, वो होता है 786। अरे चार दिशा ऐसे धरती पे ध्यान नहीं करता है, जनन मरण चक्र में घूमता है, वो 420 है। 786 कौन है, 7 शरीर है, 7वां स्थिति सहस्र पहुंचना है, ध्यान करना है, ज्ञान पाना है, 8 दिशा ऐसा ये धरती पे हमेशा 6th सेंस से जीवन करने वाला कौन होता है, 786 है, भगवान है, मरण का पूरा ज्ञान है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। ओके आज ये लेसन खत्म हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू सर। 420 का और 786 का एनालाइजेशन इज एक्सीलेंट सर, सुपर।
बहुत ही बढ़िया है आज का सेशन. सो नेक्स्ट रूपा मैडम इज रेडी सर. रूपा मैडम, हेलो रूपा. सो वेलकम वेलकम टू रूपा मैडम. प्लीज शेयर योर डिवाइन नॉलेज विद अस मैम. ओके मैडम, थैंक यू. सो वी कैन कंटिन्यू अप टू 4 o'clock मैडम. We can continue up to 4 o'clock. Okay. So thank you, ma'am. Thank you so much. Please continue. हर मेरे आत्म बंधुओं को प्रणाम. हम एक बुक के बारे में जानकारी ले रहे थे सत्य पयन के बारे में. हमने आज तक ये जाना कि पहली बार धरती में आता हुआ आत्मा कैसे आता है, किन किन शरीरों के साथ आता है, कौन से कोष को लेके आता है और उन सब को लेने के लिए कितने लोग काम करते हैं, उन सभी के सहायता कैसी मिलती है, ये सब हमने जानकारी ले ली. अब हम आते हैं मरण के बारे में. अब तक हम जैसे आते हैं, जैसे जन्म लेते हैं, ये तो जान लिए. जन्म लेने के बाद जीवित क्रम को हम कैसे जीते हैं, उसको भी हमने जान लिया. इन दोनों के बाद का चैप्टर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मरण. जैसे जन्म लेते हैं वैसे मरण भी एक स्टेप है. आत्मा के जिंदगी में एक जनन और मरण दोनों भी एक फुट स्टेप है. इसके द्वारा ही ये आत्मा ज्ञान लेते जाती है. लेकिन जब शरीर लेते हैं इतनी खुशी खुशी से आत्मा आती है, तो इस जन्म लेते वक्त, ये शरीर लेते वक्त तो इतनी खुशियां है, किसी को मरण के द्वारा इन सबको वापस करने में, मरण के द्वारा शरीर से अलग होने में थोड़ी सी दिक्कत लगने लगती है. क्योंकि जब शरीर के अंदर आ जाता है ये आत्मा अपने आप को भूल जाता है. ऐसे जीवन करने लगता है कि मैं शरीर ही हूँ, यहाँ सब कुछ मेरा ही है, ये मेरे लिए ही बनाया गया है. ऐसे सोच के ये शरीर में रहकर इसको ही जिंदगी मान लेते हैं. जब ये व्यामोह खत्म होगा, जब ये मरण सन्निहित होगा, उसको मालूम होने लगता है, अरे मैं इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे इस शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा. तो उसको एक अजीब सी महसूस होने लगती है. ये सब इसलिए होता कि वो भूल गया होता है मैं आत्मा हूं. लेकिन ये मरण भय जगाने वाली क्रिया नहीं है. इसके बारे में जब जानकारी लेते हैं, मरण के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, वो जब लेते हैं इस शरीर में रहते हुए ही मरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो ये भय अपने आप मिट जाएगा. इसीलिए तो बोलते हैं जनन और मरण का ज्ञान आत्मोन्नति की मार्गदर्शक है. हमने जाना कि जब ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर में प्रवेश करता है, एक गम जैसी जगह फैलाया हुआ जाता है. इस शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए गम जैसी लिक्विड फैलाया हुआ जाता है. लेकिन हम जब मरण में आते हैं, जब मरण का समय सन्निहित आता है, ये सभी लिक्विड को आत्मा अपने अंदर खींचने लगती है. इससे
उसके द्वारा सूक्ष्म रूप को लेकर सूक्ष्म रूप में जो हम है जैसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं उसको, उसके साथ हमारे आत्मा शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर आ जाता है, इसे हम मरण कहते हैं। जो भी एक गम जैसा लिक्विड है इस शरीर में, उस सब को वापस खींचकर एस्ट्रल बॉडी के द्वारा इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर हमेशा के लिए सिल्वर कार्ड को कट करके बाहर आता है, उसी को माना जाता है मरण। यहाँ और कुछ कोई नहीं है, लेकिन एक समय अवेयरनेस न रहते हुए इस समय को भय माना जाता है। इस पॉइंट को हम जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर ले, इस शरीर में रहते हुए ही इन सब की जानकारी ले ले, तो हमें इस शरीर को छोड़ने में दिक्कत नहीं रहती, ये भय भी नहीं रहता। जैसे शरीर लेते वक्त कितने लोग में हमारे के लिए आते हैं, जैसे ही इस शरीर को छोड़ते समय कई वॉलेंटियर्स हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ये मरना और मरण के बाद के जो विशेषता है, ये तो एक अभूतपूर्व अनुभव है। हमने शरीर लेते वक्त की अनुभव तो ले ली, लेकिन मरण के द्वारा भी हम कितने अनुभवों को पाते हैं, ये हम जब आत्मा के रूप से देखते हैं, इन सब की जानकारी इजीली हमें मालूम पड़ता है। लेकिन इस शरीर, हम शरीर के भावना से इन सब को देखते हैं तो बहुत डरावनी लगने लगता है, हमें आत्मा मान के ही इन सब को जानना पड़ता है। ये मरण भी एक शरीर लेते वक्त के समय जो होती है वैसे ही तरह की क्रिया है। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, हमारे लिए मास्टर कहते हैं, इस समय आत्मा अगर जानकारी न लिए होता तो ये मरण कैसा रहता है, एक्सप्लेन करती हूँ। एक आत्मा ने अपने शरीर को छोड़कर बाहर आ गया, उसको एक जनन मरण के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो ऐसे सोचता था कि मैं शरीर हूँ, ये जिंदगी है मेरी, अपनी है, ये कुटुंब ही मेरी है, ऐसे सोचता था। वो अपने शरीर को एकदम से छोड़ना पड़ा, उसको एक एक्सीडेंट में छोड़ना पड़ा। तो इसकी सिचुएशन कैसे रहती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये मेरी खुद की अनुभव है। जब ये शरीर छोड़ता है उसको इतना भय लगने लगता है, अरे ये क्या हो गया, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर मैं जा नहीं सक रहा हूँ, इसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। वैसे जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ऐसे ही खींच के बाहर आ जाता हूँ, ये क्यों हो रहा है, अरे बाप रे ये क्या, मेरे कुटुंब के सदस्य सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, सभी मुझे पुकार रहे हैं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये सब रो रहे हैं, मैं क्या करूँ, इनको इनसे कैसे बात करूँ, ऐसा फीलिंग्स रहता है। जो कोई कुछ भी न जानकारी पाते हुए शरीर को छोड़ेगा, ऐसे हर व्यक्ति का, हर आत्मा का ऐसा ही सिचुएशन रहता है। तो अपने आप को समा नहीं सकेगा ये आत्मा, अपने आप को कितनी गुंदल कर लेता है और कितनी भयभीत हो जाता है। उस समय मास्टर हमारे सहायता के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को पहचानने में भी ये आत्मा पूरी तरह से तैयार नहीं रहता। वो ऐसे सोचने लगता है कि
अरे बाप रे, मैंने वहां पर कुछ पढ़ी थी, यमलोक से कुछ लोग आएंगे, मुझे खींच के ले जाएंगे, ऐसा मैंने पढ़ा था। ओ ये वही है, मुझे ले जाने के लिए आए हैं, मुझे खींच कर ले जाएंगे, कुछ अजीब अजीब सी घटनाओं में कुछ शिक्षा करने के लिए आए होंगे मुझे, ऐसे सोचने लगता है। लेकिन वहां कुछ भी नहीं रहता, वे लोग आते हैं इसलिए कि हमारी आगे की यात्रा इजी हो, हमें समझाने के लिए ही आते हैं ये लोग, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काम तो होने ही वाला है, अब हो गया है तो इसको मान लो, तुमने मरण पा लिया है, इस शरीर से बाहर आ गए हो, इसको मान लो और हमारे साथ आओ, ये बताने के लिए ही वे लोग आए हुए रहते हैं। लेकिन ये आत्मा तो मानती नहीं, मैं नहीं आऊंगा बोलता रहता है, इसीलिए उन लोगों को खींच कर ले जाना पड़ता है। सिर्फ इसी वजह से हमने पुराणों में पढ़ा है, यम किंकर आएंगे और हमें खींच कर ले जाएंगे, सिर्फ इसे भयभीत मत होना। तो यहाँ से लेके तो जाते हैं, लेके जाने के बाद आत्मा को अपनी स्थिति का एहसास दिलाने के लिए पूरी कोशिश किया जाता है। वो पहले उसके परिचित का जो लोग शरीर को छोड़े हुए होते हैं, उन आत्माओं से मिलाते हैं, तो उन सबको देखकर उसे थोड़ी सी समाधान मिलने लगता है। उसके बाद इसको आकाशिक रिकॉर्ड के जो हमने अपना जीवित क्रम को रिकॉर्ड करके रखा है ना, शरीर लेते वक्त उस आकाशिक रिकॉर्ड को दिखाया जाता है। यहाँ कोई भी तुमने ऐसा काम किया है, देखो इतने पाप किया है, देखो ऐसा बोलने वाला कोई नहीं रहता, फिर भी आत्मा अपने आप को इस जीवित क्रम में जो भी काम किया है उन सबको अपने आप देखता रहता है। एक टीवी में मूवी हो रहा हो ऐसे देखने लगता है, तो उसको एहसास होने लगता है, अरे मैंने इतने इतने नाटक किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं, और यहाँ पर तो उसे एक सिर्फ एक साक्षी भाव ही रहता है, उसको कोई पाप या पुण्य के बारे में कुछ आलोचना नहीं रहती, ये सिर्फ ये जानता है मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, इस जिंदगी में इतने काम किए हैं, सिर्फ इतना जानता है और कोई डिसीशन नहीं लेता, मैंने कुछ गलत किए हैं, कुछ सही किया है, ऐसा कोई डिसीशन उस मन में नहीं आता। उसके बाद उसको एहसास होने लगता है, अरे जो भी हुआ सही हुआ है, ये मेरे ही द्वारा मेरे ही बनाया हुआ ये ड्रामा है, ये मैंने खुद लिखा था। इन सब के एहसास के बाद वो अपने आप को शांत करने लगता है। तब मास्टर्स ने इन ये आत्मा को लेके इसके जो वाइब्रेशन सूट होता है उस लोक में विहार करने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय तक इसके मनस्थिति कंट्रोल होने तक इसको ऐसे ही रहने के लिए भेजा जाता है। अब और जब भी वो आत्मा फिर से शरीर धारण करने के लिए चाहता है, उसी वक्त उनको ले वापस शरीर लेने के लिए भेजा जाता है। उस समय तक उसको पूरा फ्रीडम रहता है, जहां पर भी उसके फ्रीक्वेंसी सेट हो उस लोक में उनको विहार करने के लिए छोड़ा जाता है। इतनी प्रक्रिया इस मरण के द्वारा होता है। ये प्रक्रिया तो मरण के बारे में कुछ भी न जानते हो इसके इन लोगों को होता है। हम अब जाते हैं, हम शरीर में रहते हुए ही हम इन सब की जानकारी ले लिया है,
जब हम शरीर छोड़ते हैं, पूरी ज्ञान रहता है, अवेयरनेस रहता है, मैं इस शरीर को छोड़ रही हूँ, मैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस शरीर को त्याग कर ऊपर जा रही हूँ। जब ये ज्ञान रहता है, हम सीधी तरह से मास्टरों के पास चले जाते हैं और आगे की प्रक्रिया बहुत ही इजी से हो जाता है। ऐसे कष्ट लेके जन्म ले हमें जाना है या इजी वे से हमें जाना है, ये हमारे ऊपर ही निर्धारित है। ये सब लिखते वक्त मैंने बोला कि ये सब मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, ये ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किए थे। मेरी दीदी के पति का देहांत हो गया ये बुक लिखते वक्त, तो मैंने मुझे एहसास होने लगा, अरे मैं क्यों ना इनसे जानकारी लू, मैं अपनी जीजा से ही क्यों, जीजा जी से ही क्यों ना इन सब की जानकारी लू। तो जब मैं ऐसे सोची, जिस वक्त उनका देहांत हुआ था उसी वक्त मुझ में अंदर ये थॉट आया, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो गई और इन सब को उन्होंने कैसे फेस किए इन सबको मैं देखने लगी। उस समय तो मेरी अनुभव तो अजीब सी थी, बिल्कुल साक्षी रूप में मैं ये सभी देखती रही और इन सब के बारे में जानकारी मुझे देते गए। मैं इसीलिए मैं अपने चिचा जी को बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ एक ये ही नहीं, ये लिखते वक्त मुझे इतने लोगों के साथ कनेक्ट हुआ। एक बार तो मैं ऐसे ही टिफिन सेशन में थी, तो एकदम से मेरी तरफ दो आत्माएं आ रही थी, तो मैंने खड़े होके पूछा उनसे क्यों क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, अरे मास्टर जी हम तो सुसाइड कर ले अपने शरीर को, अपने मरण के टाइम से पहले ही हमने इस शरीर को छोड़ दिया है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, प्लीज हमें हेल्प करो ना, ऐसे बोलने लगे। तो तुरंत मेरे अंदर एक भाव आया कि मास्टरों को बुलाए, पत्री जी के सहायता से उन लोगों को जिन लोक में जाना था वहां पर पहुंचा दिया। ऐसे इंसिडेंट्स तो ये बुक लिखते समय बहुत का हुआ था मुझे, इसीलिए इसे एक कहानी मत मानो, ये बिल्कुल सही ज्ञान है। इस ज्ञान को अपने आप में समेट लो। जब भी हम, क्योंकि हमें भी स्मरण के द्वारा जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें भी फेस करना ही है, तो क्यों ना इसके बारे में जानकारी लेके अपने पूरी अवेयरनेस के साथ इस शरीर को छोड़े तो कैसा रहेगा। हेलो, ఒక 5 మినిట్స్ వరకు అందరికి ఏమనిపిస్తా ఉంది నేను తెలుసుకోవాలనుంది. కంటిన్యూ కంప్లీట్ చేసే ఈ చాప్టర్ ఈ రోజు ది చాప్టర్ క్లోజ్ చేసినాను. ఆస్ తో ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ హువా అబ్ ఆప్కా ఒపీనియన్ ఈ చాప్టర్ కే ఊపర్ ఒపీనియన్ ప్లీజ్ ఎనీబడీ వాంట్ టు షేర్ చాలా హై ఎనర్జీ ఉంది సార్ వెరీ హై బహుత్ జ్యాదా హై ఆర్ మేడం జో కుచ్ భీ బోలే హై జో భీ పూచే ఆజ్ దియే హై ఉస్కే లియే బహుత్ బహుత్ కృతజ్ఞతా బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్ ఆర్ మేడం కే ఏక్ ఏక్ శబ్ద సత్య హై జైసే జబ్ మేడం బతా రహే థే कि इन बातों को मजाक में मत लो, हल्के में मत लो, कहानी मत समझो,
तो ये एक्चुअली वो हृदय से बोल रहे थे सत्य है ये सारी चीजें सत्य है। बहुत हाई एनर्जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हेलो, हाँ मैम एक क्वेश्चन था, आप जो बोल रहे थे आपके जब जिया जी चले गए तो यू कुड कनेक्ट विथ योर जिया जी, तो यू कुड कनेक्ट विथ हिज सोल क्या मैम? यस आई कनेक्टेड विथ सोल। ओके, तो यू सॉ द होल प्रोसेस थ्रू विच ही वेंट। हाँ बोलिए सर मैम। मेरे आत्मा के द्वारा उनके आत्मा से कनेक्ट हो गई है। ओके, तो मैम आपने क्या पूरा प्रोसेस देखा क्या? हाँ मैडम मैंने देखा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो नरेंद्र सर, यस मैम प्लीज। हेलो, हाँ यस शेयर कीजिए ना प्लीज सर। मैडम जब बता रहे थे कि जो जैसे वो कनेक्ट हुए सोल टू सोल और उन्होंने रिलीज किया, सेम थिंग हैपेंड टू मी आल्सो। मैं भी मेरे पिताजी से कनेक्ट हुआ था और कई साल तक वो 1.5 साल की उम्र, जब मैं 1.5 साल का था तो ही लेफ्ट हिज बॉडी एंड आफ्टर मीटिंग प्रेमनाथ सर, प्रेमनाथ सर से मिलने के बाद व्हेन आई मेट बाबा जी ध्याना, आफ्टर दैट माय फादर केम एंड आई रिलीज हिम विथ माय होल हार्ट, और उसके बाद उनको वो रास्ता मिला और वो फिर चले गए सर। तो मैडम के जितने भी शब्द अभी बोले मैडम ने, इन चीजों को मैंने पर्सनल अनुभव किया है और मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कैसा लगता है। बहुत हाई एनर्जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। So can I share my experience regarding this? Yes sir. Yes yes yes. Permits. So in 2009 actually my cousin brother has expired due to accident. Ek accident mein uska expire hua tha. To jab uske dahan karte hai main wahan pe tha. To wahan pe main usko physically uske dono open eyes se main uski astral body ko dekha main. वहां पे जो दहन करते हैं वहां पे ऐसा पूरा ऐसा घुटनों में सर लगा के ऐसा बैठ के था, उन्होंने घुटनों में ऐसा बैठ के घुटनों में उसका सर लगा के था, बहुत दीनावस्था में था। और उन्होंने मारा भी ऐसा 3 दिन के बाद फैमिली वालों को पता चला, 3 दिन शायद उन्होंने कहाँ पे थे पता ही नहीं। फिर अपना हैदराबाद के गांधी अस्पताल में उसका डेड बॉडी मिला हमको, तो उतना ये था दर्द भरी था उसका मौत एक्सीडेंट से। So, उसके बाद 5 दिन के बाद क्या हुआ, जस्ट आई केम टू होम फॉर लंच। एक्चुअली मैंने ऐसा बैठा था बेड के ऊपर, तो मेरे जो बाएं हाथ है ये कांपना शुरू हो गया, इतना कांप रहा था, ऐसा 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 ऐसा, तो बहुत कांप रहा था ये, बहुत 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 कांप रहा था। तो मैं क्या हो रहा था समझ, जितना भी ऐसा पकड़ के रखा तो भी ऐसा हिल रहा था, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं ध्यान में बैठ गया, मैं ध्यान में बैठ गया तो उन्होंने बोला, एकदम उन्होंने दिखाई दिया, अरे यहाँ पे मुझे बहुत क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है यहाँ पे, मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, तू भी आना मेरे साथ। तो मैंने एकदम हाथ ऐसा खींच लिया अपना, खींच के उसको बोल दिया, नहीं नहीं ये गलत है, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मेरा काम बहुत है धरती पे, बहुत काम करना है मेरा, सो मैं अभी नहीं आ सकता आपके साथ, प्लीज आप चले जाओ। तो ये एक एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके साथ जो कंटिन्यूस एक्सपीरियंसेस, वही एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ कितना एक आश्चर्यजनक इंसिडेंट्स हुआ मेरी जिंदगी में। मैं शायद अभी समय नहीं है, मैं बाद में कभी टाइम मिले तो शेयर करूंगा। सो ये तो एक आत्मा के साथ एक एक्सपीरियंस था। सो प्लीज कंटिन्यू इफ एनीवन इज देयर। हेलो, यस प्लीज। हेलो, हाँ यस प्लीज। हेलो सर, मुझे रूपा मैम से क्वेश्चन था। हाँ यस प्लीज। जब ये आत्मा शरीर छोड़ता है
और ऊपर जाता है, तभी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने शरीर छोड़ा है। फिर दूसरे जो वहां के ऊपर जो आत्मा रहती है उनको समझाया कि नहीं, तुम्हारा शरीर छूट गया है। फिर तभी उसको मतलब वो शांत हुआ, उसको रियलाइज हो गया। तो सर मुझे ये क्वेश्चन है कि उसको मतलब ऐसा मन रहता है तभी शरीर छूटने के बाद आत्मा का मन रहता है, कि मन अपना धरती वाला मन रहता है, कि दूसरा जो शरीर छूटने के बाद का जो मन वो क्या दूसरा रहता है, वो मुझे जानना है। हेलो अरूपा मैडम जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मेरा आवाज नहीं सुनाई दिया? आप सुनाई दे रहा है, आप सुनाई दे रहा है, आप सही है। अच्छा, मेरा सवाल सुनाई दिया? नहीं नहीं मैडम। हाँ, आपका सवाल सुनाई दिया। अच्छा, आप पूछिए। अच्छा हाँ रूपा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी शरीर छूट जाता है फिर आत्मा ऊपर चली जाती है, फिर उसको रियलाइज नहीं होता है कि उसका शरीर छूट गया है, फिर दूसरी आत्मा है उसको समझाती है कि अभी शरीर छूट गया है, आप इधर आ गए हो आत्मा के रूप में, फिर आत्मा को रियलाइज होता है कि हाँ वो उसका शरीर छूट गया है। लेकिन जब भी उनको वो दूसरी आत्माएं नहीं समझाई थी, तब तक वो क्या मन से काम ले रहा था, और वो मन कौन सा मन था, धरती वाला कि वो दूसरा मन रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको भय होने लगता है, इतनी अंधेरा है, क्या करो, किसी और जगह ऐसे लगने लगता है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता है कोई प्लेस के बारे में, तो हम घूम जाते हैं तो कैसा रहता है हमें इस शरीर में रहते। मैं जनरली बोल रही हूँ, जनरली हमें हम कुछ जगह गए होते हैं, टूर पे गए होते हैं, और हम घूम जाते हैं, तो हमें कैसा एहसास होता है? यस, अजीब सी लगने लगती है, कोई भाषा भी नहीं आती, उन लोगों का भाषा नहीं आता, अजीब अजीब सी लोग रहते हैं, तो कैसे हम महसूस करते हैं? वो बात मुझे समझ में आई। मुझे ये था कि आत्मा को डर ये सब आत्मा में रहता है क्या? हाँ, सिर्फ शरीर छोड़ते वक्त वो रहता है, उसको समझ में आता है। वो मन मन वही रहता मन, है मैडम, मन काम करता रहता है। अच्छा, मन तो एक ही है, मन दूसरा मन नहीं रहता है, मन आत्मा के साथ कंटिन्यू रहता है। ओके, ओके, वो यादगारी मन में रहता है। ओके ओके सर, थैंक यू। और सर मुझे प्रेमनाथ सर से पूछना था, जो आपने 420 और 786 के बारे में जो बताया ना, तो मुझे 420 का पूरा मतलब सुनाई आवाज आ रही थी, लेकिन क्लियर थोड़ा मेरा लाइन में थोड़ा कुछ शायद गड़बड़ी हो सकती है, तभी बराबर सुनाई नहीं दिया। धरती को चार है ना, पूरब और पश्चिम, ऐसा चार का मतलब ये चार दिशा धरती पे, वो ध्यान नहीं कर। दो का मतलब जनन मरण, जीरो का मतलब चक्र। कोई ध्यान नहीं करेगा, चार दिशा धरती पे ध्यान नहीं करेगा, जनन मरण में चक्र में घूमते रहते, वो 20 होता है। अज्ञान से कोई जीवन करे ध्यान बिना, सर वो जनन मरण चक्र में घूमते ही रहते हैं, वो होता है 420। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एक्चुअली, बट एक बार जो कॉन्सेप्ट बोल दिया उसके बाद नहीं वो पूछना सर, जब सुनते हैं उस वक्त इंटरेस्ट के साथ सुनना, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि या आई विल सेंड द लिंक, एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग,
because we have to get more knowledge from sir. Okay? Thank you. मैं अब एक बताना चाहता हूँ, ये मरण के बाद वो आत्मा को कहाँ जाना, वो रुक गई है, वो बहुत दुखी है. हमें दुख में रहे तो, हमें रोते रहे तो, वो आत्मा के बारे में सोचते रहे तो वो आत्मा रुक जाएगा. अभी मुझे चाहते हैं लोग, मैं ऊपर नहीं है, मास्टर को बात भी वो नहीं सुनेगा. हमारा दुख रुलाए केवल हमना नहीं है, वो आत्मा भी रुक जाता है. वो आत्मा भी उन्नत लोग जाने को नहीं होता है, उसको प्रेत भूत और प्रेत बोलते हैं. देखो हमारा रुलाई से दुख से कारण वो आत्मा भी रुक जाता है, ये भी आत्मा को नुकसान होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है. इसीलिए तो कहते हैं जब मरण हुआ हो रोना नहीं, हंसते हंसते उनको भेजना है. ठीक है ना सर? हाँ ठीक है. ओके ओके सर. सो शैल वी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ओनली, regarding this topic only? Any questions from anyone? Any doubts? Any doubts regarding this session? Any doubts? So sir, no doubts. Yes, please. Pooja here. Suresh bhai. Yes, Suresh. Pooja ma'am, please. Sir, मरने के बाद जो है, जो आत्मा, जैसा प्रेम सर अभी आपने कहा कि अगर हम रोते हैं तो वो आत्मा भी जो है वो नहीं जा पाती है, रुकती है. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रियलाइजेशन फैमिली मेंबर्स को होता है समझाने पे कि नहीं रोना चाहिए, महीना दो महीना लग गया, और उसके बाद तब आत्मा वापस दो महीने बाद वापस चली जाती है कि उसकी फिर आत्मा यहीं पे रह जाती है? हेलो हेलो सर 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 प्रेमनाथ सर हेलो हेलो जी सर आप प्रेमनाथ सर हेलो रूपा मैम से पूछो. हेलो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वहां पे. ओके पूजा मैम, तो जी सर, वो डेथ के बाद जो डेथ के बाद उसका अज्ञान ही उसका कारण बनता है कि वहां पे रुक गया. उसके अज्ञान के कारण ही वहां पे रुक जाता है. तो इसमें ये जो लोग है यहाँ पे उसको चुटके गए, उसके रिलेशंस, वो लोगों की दुख से बहुत कम ताल्लुकाता होता है. वहां पे वो सोल रियलाइजेशन होना, तो उसके लिए गाइडेड एंजल्स कुछ रहते हैं. वो गाइडेड एंजल्स वो सोल को ज्ञान देने के, ज्ञान लेने में सहायता करते हैं, गाइडेड एंजल्स. सो दे विल गाइड दैट सोल, तो वो सोल धीरे 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 समझ पाएंगे क्या हुआ, फिर मुझे कहां जाना है. वो सोल खुद तय करेगी कि कहां बेचारा है. सो ऐसा इट्स अ सीक्वेंस. तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज कर्मास. सर प्रेमनाथ सर उच्चारा. हेलो हेलो सर, सारिंग करा ले दू. प्रेमनाथ सर, प्रेमनाथ सर अभी नया है. ठीक है, तब तक तो जहां तक मुझे मालूम है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा. शायद वहां पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है. तो जिसके बाद वो सोल पूरा कुछ भी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वो सोल को कुछ भी ज्ञान नहीं है. इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज इज मस्ट इम्पोर्टेंट. जीते वक्त भी आपके लिए सहायता करेगी, आपकी लाइफ खत्म होने के बाद भी आपकी सहायता करेगी. तो इट्स लाइक एलआईसी पॉलिसी, जिंदगी में भी जिंदगी के बाद भी. वो जिंदगी में अपने लिए काम आएगा और जिंदगी के बाद भी अपने लिए काम आएगा. So we have to be in spiritual path. We have to know about what is reality, what is karma, what is soul, what is journey of a soul. We have to know. Then no fear will be there actually, because you will
release from your body with full of knowledge, with full of awareness, then no sorrow will be there. Then you will get the way clear, very clear. Aapki rasta bahut saaf dikhai dega aur jahan pe chale jana chahiye wahan pe aap jo aapki energies ke hisab se wo frequencies pe wo planes pe aap chale jayenge. So it is not much more related to this earthly things. So earthly things se utna zyada nahi rakhta, ye khali 2 ya 3 dino tak rehte hain. 2 to 3 days, and in astral worlds no time is there actually, but for them it cannot be calculated. You can calculate nahi kar sakte. Ye dhatti ke liye 2 ya 3 din time hai. Utne mein wo dheere dheere wo soul realization aate rahega wo soul ko. Then uske jo bhi hai uske astral body wo pure toot jayega. It will be break. Then the pure soul will get released from that body. So this will happen actually. 3 din baad, matlab aap jo keh rahe hain 3 din baad us soul wo usko realization ho jata hai aur chali jati hai. Ye 2 ya 3 ya 4, aisa no perfect calculation is there. No perfect calculation is there. Agar family members jo hain agar rote rahe piche, तो जैसे प्रेमनाथ सर ने कहा ना, अगर आप रोते हैं तो सोल जो वो जाती नहीं, सोल वहीं रहती है. वही सोल को तो ऑलरेडी उसके डर के स्टेज में है, उसको उसके एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है ये पूरा. उसके एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है. तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मेरी मदर का अभी 1 साल पहले डेथ हुई है. ओके. हम तो मेडिटेटर हैं, मैं मुझे भी थोड़ा, हालांकि मैं यूं नहीं कह रही कि मेरे वेरी फर्स्ट डे ही मैं मतलब स्टेबल हो गई थी, मुझे भी 2-3 दिन लगे थे समझने में. फिर मुझे समझ में आ गया कि और फिर मैं स्टेबल हो गई थी उसके बाद. लेकिन मेरे पेरेंट, मेरे फादर है, मेरी सिस्टर्स, ब्रदर वगैरह, उनको टाइम लगा काफी, उनको 2-3 महीने में बाहर आने में लगा. तो अब मैं जानना ये चाहती हूँ कि क्या सर ये पॉसिबल है कि मेरी मदर की सोल को इन्वाइट करके उनको फिर आगे भेजा जा सकता है? वो जैसे राम राजू सर का एक सेशन था, उसमें हुआ था और उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे इस तरह से करना, गाइडेड मेडिटेशन करके. तो प्रेमनाथ सर से रिक्वेस्ट है कि अगर वो पॉसिबल है तो एक बार सभी सोल्स की सर मी గురించి వెయిటింగ్ సర్ మీ నుంచి వాయిస్ వస్తలేదని నేను కొద్దిగా మధ్యలో, మీ వాయిస్ రావట్లేదు సర్. సర్ ఒక్క సెకండ్ आत्मा का स्थिति रहता है, वो आत्मा आत्मा ज्ञानी है, कोई भी रोने दो वो ऊपर चले जाती है. वो आत्मा को ज्ञान नहीं तो अज्ञान आत्मा यही रुक जाती है हमारा दुख का कारण से. आपका माता जी ज्ञान ही रहे तो निकल जाएगा ऐसे, नहीं तो है ही रुक जाएगा. आप आपका माता जी का आत्मा को इन्वर्ट करना, ध्यान में इन्वर्ट करके उनको गाइडेंस करके ऊपर भेज सकते हैं. ये कर सकते हैं, पॉसिबल. नहीं तो कहाँ, कौन से प्लेनेट में है वो भी मालूम हो सकता है. यू कैन टेक द मैसेज फ्रॉम योर मदर, ऊपर चले गए. जी ये गाइडेड मेडिटेशन जो है वो कितनी बार, एक बार करने से हो जाते हैं? हमें कैसा पता चलेगा कि उनकी सोल गई है या नहीं गई, अभी भी यही है? वो एक बार ही करने में जाते हैं या बार बार करना पड़ता है? कोई थर्ड आई मास्टर का मदर लो, एक ही बार भेजना है. ओके. थर्ड आई का मास्टर मदर लो, उनको बिठा लो, वो देख सकते है, ऐसा भी कर सकते. तो मास्टर जी को मास्टर सर ने बताया वो मास्टर की मदद ले सकते हैं, तो कोई मास्टर सजेस्ट करेंगे कौन मास्टर ये मदद हेल्प करेंगे हमें? अरे गांव में तारे मास्टर्स बहुत है, बहुत है. अरे गांव में है, उनका अनुभव सुनो, मालूम हो जाता है थर्ड मास्टर कौन है.
सर हमारे जो है वो नमस्कार सर रिमना सर नमस्ते बताइए सर हमारे सात शरीर रहते हैं ना अभी जब ही अपना मृत्यु हो गया तो फिर वो सात शरीर में से ये आत्मा के लेवल पे कौन सा शरीर सूक्ष्म शरीर और ये सब मतलब कहाँ ये सब छूट जाता है कि कैसा होता है फिर दोबारा में रूपा रूपा मैडम ने कल आएगा कल वो सब्जेक्ट कल आएगा ओके ओके ठीक है सर ओके ध्यान स्टार्ट करेंगे यस ध्यान शुरू करेंगे ओके आज की मेडिटेशन सर प्लीज गाइड एंड आवर आज की मेडिटेशन विद राग जय जवंती इट इज रिलेटेड टू विशुद्ध चक्र एक्चुअली सो अगर विशुद्ध चक्र में कोई भी ब्लॉक्स है तो इट कैन बी क्लियर बाय लिसनिंग दिस राग इन द नाइट्स नाइट्स में ये राग सुनना चाहिए तो राग से आपने को कुछ अगर कफ का प्रॉब्लम्स है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ है हेडेक का है तो ये भी कम हो सकता है और पैरालिसिस और साइकोसोमेटिक साइको डिसऑर्डर्स कुछ है अगर मानसिक संबंध से कुछ संबंध कुछ ऐसा व्याकुलता है माइंड के लिए तो इट कैन आल्सो बी हेल्पफुल टू यू मोस्टली दिस राग शुड बी लिसन इन द नाइट्स It will be very helpful. So please let us start our meditation with the guidance of Premna sir first. Sir, ये thyroid question था. Sir, एक question था. Body के कौन से part को विशुद्ध चक्र बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम है. वो body में नहीं रहता मैडम जी. Body का संबंध है मैडम वो चक. Body में नहीं रहता. वो जो body में pituitary gland रहता मैम एक यहाँ पे. वो वहां पे वो स्थिति पे आपके दूसरे प्राणमय शरीर में रहता है वो एरिया पे एक्चुअली चक्र क्या होता है मैडम स्थिति होता है वो दिखने का चीज नहीं है हमारा स्थिति होता है बोल रहा हूँ थायराइड ग्लैंड्स रहते हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स के वो एरिया पे जो प्राणमय शरीर एरिया पे जो आपके यहाँ पे थ्रोट है वो एरिया पे प्राणमय शरीर में वो एरिया में रहेगा So, विशुद्ध चक्र विशुद्ध चक्र इज रिलेटेड टू वर्ड्स आपकी जो बोलना है आपकी जो एक्सप्रेसिव वे है जितना विशुद्ध चक्र आपकी एक्टिव होगा आप उतने अच्छा बोल पाएंगे सर कंटिन्यू सर हमें पूरा मास्टर को इनवाइट करेंगे पहला हमारा गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष नरेंद्र रिपीट होता ఇంకెక్కడో వేరే వాళ్ళు ఇంకెక్కడో ఆన్ చేసినట్టున్నారు సార్ ఒక్క నిమిషం అందరిని మ్యూట్ లో చేస్తాను వేరే వాళ్ళు ఇంకేనా స్పీకర్ ఇట్లేమన్నా ఆన్ చేశారేమో అంతే రిపీట్ అవుతుంది ఓకే సార్ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను సార్ ఒక్క నిమిషం को इनवाइट करेंगे उनका परम गुरु सदानंद योगी को मास्टर को इनवाइट करेंगे महावतार बाबा जी मास्टर सेठ मास्टर रामता मास्टर बुद्ध भगवान मास्टर बाद में अखंड अनंत विश्वमय मूल चेतन विश्व माता जगन माता शिव भगवान पूरा देवताओं को इनवाइट करेंगे ऋषि मंडल नक्षत्र मंडल Universal Astral Masters, Universal Astral Pyramids, Universal Astral Energy Systems, Pura Shakti Kshetra, Ashtadash Peeth, Mineral Kingdom, Plant Kingdom, Animal Kingdom, Human Kingdom, Water Kingdom, ये धरती पर रहने का पूरा मास्टर्स को सब को अपना मालूम नहीं है बहुत सिस्टम्स बहुत गैलेक्सीज बहुत मास्टर्स है उनको पूरा हमें हृदय पूर्वक से इन्वाइट करेंगे पूरा मास्टरों को हमारा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करेंगे अनंत कोटि हृदय पूर्वक शुक्रिया अदा करेंगे कृतज्ञता
आधा करेंगे, हमें इन्वाइट करेंगे, पंचभूतों को इन्वाइट करेंगे, ये धरती माँ को इन्वाइट करेंगे, गंगा माँ को इन्वाइट करेंगे, पूरा उन मास्टरों के साथ, गैलेक्सीसों के साथ, शक्ति के साथ ध्यान करेंगे आज, हमें ममात्मा सर्वभूतात्मा स्थिति से, महापरिशून्य स्थिति से, साक्षीभूत स्थिति से, स्थिति सर मी वॉइस आउट लेस हेलो सर मी वॉइस आउट लेस या प्लीज Be with your breath. Sab log. Yeah, Shakti Gupta ji, please. Share your experience. Okay, next. Okay. Veena madam. Hello. Veena madam ji, please share your experience. Hello. Yes, Veena madam ji, please, we are listening to your words. Sir. Yes, we are listening. Please carry on. Yes, we are listening, madam ji, please. Yes. Please, baat kijiye. Sir, my name is Shakti. Yes, ma'am, please. Sir, meditation mein baithte hi mujhko blue light नजर आया और थॉट चक्र के ऊपर बहुत ज्यादा जैसे वाइब्रेशन कोई सर्कल सर्कल सा फील हुआ. फिर उसके बाद जैसे हनी बी का जाला टाइप होता है ऐसे ब्लॉक एक दिखा और बस उसके बाद कंटिन्यू मतलब मैं अभी जब आपने बोला कि 1 मिनट रह गया तभी मैं उठी बट उसके उस टाइम एक मेरे को नेक के ऊपर करीब 2-3 इंचेस ऊपर मेरे को बहुत सीवियर पेन हो रहा था. ओके बस मेरा मतलब कंटिन्यू मेरे को ब्लू लाइट नजर आया और मतलब डीप मेडिटेशन में मैं रही. ओके ओके या द ब्लू लाइट इज अ सिंबल ऑफ विजडम. ब्लू लाइट इज सिंबल ऑफ हायर एनर्जीज. सो यू स्पेंड द होल मेडिटेशन सेशन इन दैट हायर फ्रीक्वेंसीज. दैट्स अ गुड साइन. प्लीज कीप गोइंग मैम. थैंक यू सर. प्लीज कीप गोइंग. थैंक यू मैम. Thanks for sharing your experience. And Veena ma'am, you have unmute yourself. If you want to speak anything, please make it quickly. Sir, I can't speak. Totally blank. Yeah, that's great. Yeah, that's great. That's great. That's great. That's great. Superb. Excellent. Yeah, you are in a deep state of meditation. That's great. It's a great message from you. It is a silence itself is a message. कभी कभी जो बातें देती है संदेश उससे ज्यादा मौन देता है. So thank you for your message, madam. Thank you. So anyone next else? Sir, मैं निमित्त बात कर रही हूँ. Yes, ma'am, please. Sir, मैंने तो अभी second day है मेरा join होके. मेरा फर्स्ट दिन बोला ना तीन बुद्धिमान दे बच्चों है मेरा करके. okay. एक बच्चे के साथ है दोनों को हॉस्टल में छोड़ते हैं. वो क्या जो बोला नरों के लिए सब हेल्प होता है करके. अभी 10 मिनट पहले मेरे को क्या हुआ आँख के ऊपर हाथ रखा. okay. मैंने तब मेरे को हनुमान जैसा ऊपर दिखा. okay. मोती जैसा हनुमान था. okay. बाद में प्रेमनाथ सर दिखे आए दिखाई दिया मेरे को.
लेफ्ट साइड का आंख में से दिया जैसा आंख उसका पूरा शरीर को दिखा रहे मेरे को ऐसा देखो बाद में एक के बाद ब्लू कलर ऐसा आके किसी किसी को दिखा रहे वो फोन करके मेरे को समझ में नहीं आया सर भी मेरे बॉडी में ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है क्यों बोला तो वो बोल रहे हो ना अभी आपको बहुत मेरे को वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी में मेरे को ओके ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो मेरे से अच्छी माँ कोई भी नहीं है दुनिया में keep going good experience ma'am good experience okay sir good experience okay okay 26 years hai okay ma'am ji pareshan ho gayi thi abhi mere ko bhrosa aaya ki kuch hoga mere liye yeah aapke vishwas sab samasyon ka hal hai madam विश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है ओके सर अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए आपके श्वास के ऊपर विश्वास रखिए अच्छा आपके श्वास के ऊपर विश्वास रखिए ओके सर सो आपके गुरु पे अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखिए एंड एवरीथिंग विल बी ओके ओके सर जो हो रहा है सही हो रहा है जो हुआ सही हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा ओके सर बस विश्वास रखना ओके सर Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, anyone, please next. Premna sir, ka network connection problem or shayad. Yeah, anyone, those who want to share their experience. Yeah, Sanjay sir. Yes, sir. Sanjay sir, please share your experience. How do you feel? Great. आटे की कुछ नहीं आते? आटे नहीं। आटे में कुछ मिक्स करना है? ओके तो मिला रहा हूँ। ओके। ये मॉडी बहुत लूज पेन हो रहा है। तो अब ये कौन सा हो गया? कि मेरे को आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि परसों जब से मेरा पत्री सर से बात हुआ है उसके बाद से कुछ प्रोसेस चल रहा है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं ग्रेट तो आज बहुत ज़्यादा बॉडी पेन नेक पेन था और मैं झेल नहीं पा रहा था इसको तो मैंने देखा कि जिस गेट पे मैं बैठा हूँ ये गेट मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये वाला यहाँ पे okay. प्रेमनाथ सर खड़े थे झिल्ली में कुछ पकड़े थे पता नहीं क्या और अपने ऐसे कमर में एक हाथ रखे थे और एक हाथ में झिल्ली और मैं बोला सर क्या हो रहा है ये तो बोले चिंता क्यों करता है मैं आ गया हूँ ना डरने का बात नहीं है और ऐसे हाथ उनका सामने आया और फिर सब गायब ओके के बाद में ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस सर Great experience. Yeah, anyone next? Sir, Kavita here. Yes, ma'am, please. Yeah. So, sir, there is nothing very special today, but yeah, I would love to share you that energy still now, Bhita ki energy bahut high hai. Aaj, after long time meditation ki energy se mera sir thoda sa bhari ho raha. And today I joined around 3:30. मैंने actually जो Zoom meeting पत्री सर के साथ वो connect होता है वहाँ पे मैंने अपना I felt कि मुझे वहाँ पे share करना चाहिए. So last 12 days से जो हम लोग meditation कर रहे हैं उसके कुछ main चीज मैंने वहाँ पे share किया. And I'm very feeling very happy after connecting to पत्री सर. And yeah, that's it. बस थैंक यू फीलिंग गुड एनर्जी सर बहुत अच्छा एनर्जी आज की म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा था सर आज का म्यूजिक बहुत अच्छा था
ये जो राग है पर्टिकुलर जो टाइम होता है ये राग को सुनने का, जैसे आपने आज का बताया कि नाइट का टाइम होता है, तो ये हर राग का इफ पॉसिबल वो हमें बता दीजिए कि इसका वो पर्टिकुलर राग को सुनने का कौन सा पर्टिकुलर टाइम होता है, सो दैट विल मोर बेनिफिशियल फॉर अस। या हर राग का एक पर्टिकुलर टाइम है, एक शाम के टाइम पे सुने तो बहुत इफेक्ट है, दोपहर के टाइम पे, एक सुबह सुबह राग, एक रात के टाइम पे, सो हर एक राग का एक एक समय है और एक एक इफेक्ट है हर एक राग का, बिकॉज आवर माइंड विल ट्यून टू दैट साउंड्स पर्टिकुलरली दैट साउंड्स, सो थ्रू दैट केमिस्ट्री विल हैपन विद इन आवर ब्रेन एंड द इफेक्ट ऑफ दैट केमिस्ट्री विल बी टोटल ऑन आवर बॉडी, सो इन दैट वे प्रणाम सर it was a very good session. Once again, there were lots of energies. Or, मैं ज़्यादा I was trying to see towards the विशुद्धि चक्र की अगर कुछ नजर आ जाए, but वैसे तो कुछ नहीं दिखा, मतलब I could not visualize or I could not see anything as such. But हाँ, ये ज़रूर है कि energies काफी अच्छा था. बहुत मजा आ रहा था, आपका आवाज भी बहुत अच्छा लग रहा था. आखिर में मैं सोच रहा था कि आपसे एक बार ये जरूर जान लूं कि ये आप कहां से, हाउ यू फाइंड कि कौन सा राग कहां क्या लगाना है और कौन से चक्र पे कौन सा ये वाला कौन सा राग था, विच राग? आज का राग जय जय वंती. जय जय वंती राग है ये. आप इसको भी आज सर दे देना हमारे को ना, क्योंकि हमें क्या बोलने का अपना एनहेंस ज्यादा अच्छा करना है. वी रियली वांट टू वर्क ऑन दिस, तो ये बीच बीच में रात को चलाते रहेंगे. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इट लुक्स टू मी. या ये जय जय वंती राग इज वेरी यूजफुल फॉर विशुद्ध चक्र. यस आपके विशुद्ध चक्र जितने भी एक्टिवेट होते जाएंगे और आप उतने अच्छे बोल पाएंगे, आप उतने अच्छे बोल पाएंगे. मुझे उस पर बहुत वर्क करना है विशुद्धि चक्र पे ना. आई वांट टू वर्क ऑन दिस. यस वी विल वर्क विद कोऑर्डिनेशन सर फॉर श्योर. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट सर. ओके एनीवन इज देयर? हेलो सर, नमस्कार. यस मैम, मीना मैम प्लीज. या सर, मैं धीरेन सर की बिल्डिंग में ही रहती हूँ फ्रॉम अहमदाबाद, और अभी नया मैंने ये ज्वाइंट किया है. ग्रेट. तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन शुरू हुआ ना, तो आंख बंद करते ही तुरंत ही मुझे ऐसे मांस के टुकड़े दिखे, तो इसका क्या मीनिंग है? आप पूछिए इसका क्या मीनिंग है. हाँ. आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं उत्तर दूंगा वो शायद आपको रिसीव कर सकते हैं या नहीं, लेकिन जो उत्तर आपके अंदर से आएंगे वहां पे प्रश्न पूछना, ये मुझे क्यों दिख रहा है. अच्छा, उसी टाइम मेडिटेशन के टाइम में? हाँ, मेडिटेशन के टाइम पे ही पूछना, क्वेश्चन पूछना. सो ऑलवेज पुट ए क्वेश्चन और ऑलवेज इन्वाइट दैट एनर्जीज. ओके, तो आपको वहां पे उत्तर मिल जाएगा. तो माफ दिख रहा है, इसलिए वहाँ पे कुछ एनालाइजेशंस, किसी का अलग अलग एनालाइजेशंस होता है, लेकिन आप खुद की एनालाइजेशन को जानने की कोशिश कीजिए. ओके सर, अभी मैं नई हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है. नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम. नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीबॉडी इज इक्वल. एवरीबॉडी इज इक्वल, बराबर है. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है. और वो हिंसा के बारे में है, जो भी इफ यू आर देखिंग, आप फर्स्ट देख रहे हो, वो हिंसा है. मुझे भी ऐसा थोड़ा लगा. इफ यू आर नॉन वेज, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन,
please no. leave that. Or if you are vegetarian, please teach about vegetarian to all one. Okay, sir. Okay. Teach about vegetarianism to all. Okay, sir. Okay. और है ना थोड़ा सा वो दिखा मुझे जो पत्री सर के साथ हमने ऋषिकेश में वहाँ का शिविर अटेंड किया था तो पूरा टाइम वो गंगा का किनारा और वो ऋषि पत्री जी सर स्टेज पे बैठे हैं मेडिटेशन करवा रहे हैं मॉर्निंग 5 to 7 का जो उनका सेशन था वो सब विजुलाइज हो रहा था सर. ओके ओके ग्रेट दैट्स ग्रेट मैम प्लीज डू कंटिन्यू मेडिटेशन. Do meditation continuously. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. So, anyone else? Govind Nagar, sir. Govind Nagar, sir. Or anyone else? Those who want to share their experiences. So, shall we close this session here? Yes, sir. Today's session shall be closed. Yes, thanks. Thank you so much. Thank you so much for your great participation. So, thank you all. Thank you all. So, एक छोटी सी proposal है. So, if anybody wants to get answers for their questions, so for themselves, just I want to conduct one session. With chit chat, with light questions, those who want to share their experiences like that. So I want to conduct one session. So I'll fix the time and I'll post it in our Zoom time with masters. So there we can join again. So we can share our experiences. Okay. Thank you so much. So I would like to close this session now. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.